24 पूर्वरु सबुठु बड़ महासंग्राम। पांच राज्य रे विधानसभा निर्वाचन पई बाजिला बिगुल। निर्वाचन मूड रे भारत, जातीय स्तर रे कांग्रेस रो स्थिति खराब। किए हेबो इंडिया मेंटर रो चेहरा, कौन हेबो मेंटर रो भविष्यत। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोराम रे विधानसभा निर्वाचन पई होई तारीख घोषणा। पांचटी राज्य रे 27 दिन जाय चलिबाकु थिबा निर्वाचन प्रक्रिया बाबद रे घोषणा करिछंती मुख्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव कुमार। सबुठ प्रथमे मिजोराम रे नवंबर 7 तारीख रे हेबो वोट ग्रहण। मध्यप्रदेश रे 17 नवंबर रे मतदान हेबो। छत्तीसगढ़ रे दुईटी पर्याय रे नवंबर 7 और 17 तारीख रे मतदान सब्यस्त करिवे वोटर। नवंबर 23 रे राजस्थान और शेष रे नवंबर 30 तारीख रे तेलंगाना रे वोट ग्रहण हेबो। पांचटी जाक राज्य रे एका संगरे डिसेंबर 3 तारीख रे वोट गणती होई आसीबो निर्वाचन फलाफल। द शेड्यूल फॉर द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। The commission has visited five states, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. ए निर्वाचन को केवल पांचटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन भावे नुहे, एहा को 2024 पूर्वरु महासंग्राम बोली कहा जाउछि। एहा पछरे थिबा कारण ओ वोट गणित को बुझि नियंतु। ए पांचटी राज्य रे मोट 699 टी विधानसभा आसन रहिछि, जहाँ देशर मोट विधानसभा आसन छह भागर भागे। द्वितीय कथा जो पांचटी राज्य में विधानसभा निर्वाचन होठी मोट 16 कोटी 14 लक्ष भोटर अच्छा, जहाँ देशर मोट भोटर संख्यार छह भागर भागे। अर्थात एवं देशर प्रति 6 जन जड़े भोटर यही पांचटी राज्य में निष्पत्ति करेंगे। एवं जो विधानसभा निर्वाचन होब से 60 लक्ष अधिक युव भोटर प्रथम थर भोट देते, अर्थात फर्स्ट टाइम भोटर मुड केवाड़े अच्छी एक जमापड़। पंचम कथा प्राय 7 कोटी 80 लक्ष महिला भोटर पांचटी राज्य में भोट देते। एम निष्पत्ति देशर महिला निर्वाचनी मुड बाबदे भी सूचना मिल पार। षष्ठ कथा पांचटी राज्य में मोट 83 लोकसभा आसन अच्छी। एथिम 2019 बीजेपी 65 आसन जीति। गुरुत्वपूर्ण कथा 2018 आसी विधानसभा निर्वाचन फलाफल पांचटी राज्य कांग्रेस सरकार गठन कर, किंतु गोटे वर्ष पर बीजेपी लोकसभा निर्वाचन में 83 रु 65 आसन जीतला। कांग्रेस मात्र 6 आसन में विजयी होला। सप्तम कथा आईएनडीआई मेंट गठन में लगी कांग्रेस निजर दृढ़तार आकलन भी यही पांचटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन कर, कारण यही राज्यगुड़िक बीजेपी और कांग्रेस मध्य हुए सीधा सीधा टक्कर। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय है। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे ही सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है। सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अब तक उनके उम्मीदवार तक तो मैदान में नहीं है। कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटवल मची हुई है। हमारे तो 79 सेनापति मैदान में है, बाकी भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कहां है कांग्रेस की सूची? तेलंगाना में केसीआर बीआरएस सरकार जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगी। कांग्रेस पार्टी थर्ड प्लेस में रहेगा। आईएनडीआई मेंटरे थिबा सहयोगी आंचलिक दलंकर एही पांचटी राज्य रे सेते बड़ भूमिका नाही। एणु 2024 निर्वाचन पूर्वरु एही पांचटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन रे निज शक्ति जानी परिबो कांग्रेस। जातीय स्तर रे दलर स्थिति सेते भलो नाही। 24 रे बीजेपी को टक्कर देबाकु आईएनडीआई मेंटो को भरोसा करिछि कांग्रेस, किंतु अड़ुआ कथाला एकाधिक बैठक परे भी आईएनडीआई मेंटर भविष्य नै कोनोसी स्पष्ट चित्र आसी नाही। नेतृत्व नै मेंट दलंक भितरे लागि रहिछि बयानबाजी। अखिलेशंक ठारु नै नीतीश, अरविंद केजरीवाल को जाए एमानंकु प्रधानमंत्री भावे देखिबा को चाहुचंती सेमानंकर दल। किए हेबो मेंटर चेहरा सेने एजाए नाही कोनोसी स्पष्टता। बीजेपी विरोध रे गठित आईएनडीआई मेंटरे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उभय सामिल थिले हैं। विधानसभा निर्वाचन रे दुई दल परस्पर विरोध रे लड़िबे। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ रे कांग्रेस विरोध रे लड़िबो आम आदमी पार्टी। अर्थात आईएनडीआई मेंटरु सेते बेसी सहयोग बिना कांग्रेस को एही पांचटी राज्य रे बीजेपी विरोध रे टक्कर देबाकु पड़िबो। या भितर निर्वाचन तारीख घोषणा हेउ हौ कांग्रेस दावी करिछि पांचटी राज्यर निर्वाचनी युद्ध रे दलर सबुठारु बड़ अस्त्र हेबो जाति भित्तिक जनगणना।
50-60-70-80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे, ये हमने निर्णय ले लिया है। कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाई। फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी क्षमता में थी बेले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अच्छी। तेलंगाना में केसीआर दल टीआरएस क्षमतासीन थी बेले मिजोराम शासन करुछि मिजो नेशनल फ्रंट। तारीख घोषणा हेउ हो पांचटी राज्य में सरगरम हो उठी निर्वाचन परिवेश। राजस्थान बीजेपी घोषणा करी प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका। 41 जन प्रार्थी मध्य 7 जन सांसद को दि जाएगी विधानसभा टिकेट। सेपरी मध्यप्रदेश में बीजेपी तार चतुर्थ पर्याय प्रार्थी तालिकार 57 जन ना घोषणा कर बुधनी आसन निर्वाचन लड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।